यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि बीटेक के अंदर आईआईटी के एग्जाम में फोर्थ सेमेस्टर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर पूछे गए हैं, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर पूछे गए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। पहला क्वेश्चन है कंपेयर पावर मोसफेट एंड बीजेटी। कंपेयर पावर मोसफेट एंड बीजेटी। बीजेटी क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और पावर मोसफेट क्या होगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो ये आरटीयू एग्जाम के अंदर कब पूछा गया? 2015 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। तो सबसे पहले कंपैरिजन हम देखें, जैसे कि बीजेटी और मोसफेट का कंपैरिजन हम देखें। मोसफेट पहला कंपैरिजन ये है कि बीजेटी है वो क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जबकि जो मोसफेट है वो क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बीजेटी के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं हमारे पास में, यानी कि थ्री टर्मिनल डिवाइस है। थ्री टर्मिनल कौन से होते हैं? एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर और तीसरा होता है इमीटर। तो बेस है, इसकी जो मोटाई है इस तरीके का ट्रांजिस्टर होगा। तो यहाँ पर इमीटर है, उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है, बेस की मोटाई थोड़ी कम होती है और कलेक्टर की मोटाई ज़्यादा होती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक टर्मिनल होगा, यहाँ पर एक टर्मिनल होगा, यहाँ पर एक टर्मिनल होगा। ये टर्मिनल है, ये कलेक्टर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये मीटर कहलाएगा। इस तरीके के टर्मिनल होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर। मोसफेट के अंदर भी यहाँ पर हम देखें कि ये फोर टर्मिनल डिवाइस है, और इसके अंदर कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? एक तो होता है गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स और चौथा एक टर्मिनल होता है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये चौथा टर्मिनल है, ये पाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि बीजेटी का सिंबल कैसे होता है और मोसफेट का सिंबल कैसा होता है। बीजेटी हमारे पास में दो प्रकार का होता है, एक तो एनपीएन होता है, एनपीएन, और एक होता है पीएनपी। एनपीएन का जो सिंबल दिखाया जाता है वो उस तरीके से दिखाया जाता है, यानी कि जो इमीटर है उसका सिग्नेचर ये वाला एरो का चिन्ह है, ये बाहर की साइड होगा। इस तरीके से जो सिंबल बनेगा वो बनेगा एनपीएन का। अब यहाँ पर सेंटर के अंदर क्या होता है? बेस, तो ये बेस होगा, ये हमारा ऊपर वाला कलेक्टर, और जहाँ पर एरो का चिन्ह लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं मीटर। अगर ये बाहर की साइड है तो एनपीएन, यानी कोई चीज़ बाहर जा रही है इसका मतलब नेगेटिव हो रही है, मतलब घट रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो इमीटर हुई है, इमीटर है, बाहर जा रही है मतलब इमिट हो रहा है।
और अगर कोई चीज अंदर आ रही है, जैसे कि इस तरीके का सिग्नेचर है, यानी कि एरो का साइन है वो इस तरीके से अंदर की साइड, तो ये हो जाएगा PNP, मतलब कोई चीज अंदर आ रही है, मतलब कि पॉजिटिव हो रही है। जैसे इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, जैसे कि आपके पास में 10 रुपये है, अगर 1 रुपया बाहर जा रहा है तो यहाँ पर 1 रुपया आप दे रहे हो, इमिट कर रहे हो, यानी कि बाहर जा रहा है तो मतलब बाहर की साइड दे देंगे, और 1 रुपया आ रहा है मतलब कि पॉजिटिव हो रहा है, 11 रुपये हो जाएगा, इसका मतलब ये एरो का चिन्ह है अंदर की साइड। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये है कलेक्टर, ये है बेस और ये है एमीटर, तो दो तरह के साइन होते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जो मोसफेट है उसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके? जैसे इसके 2 टाइप्स होते हैं, BJT के 2 टाइप्स होते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के, मोसफेट के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन से हैं? पहला है एन चैनल एनहेंस्ड टाइप है, एन चैनल एनहेंस्ड टाइप, एनहेंस्ड टाइप है। दूसरा है पी चैनल एनहेंस्ड टाइप, पी चैनल एनहेंस्ड टाइप। तीसरा टाइप से एन चैनल डिप्लेशन टाइप, एन चैनल डिप्लेशन टाइप। और चौथा है पी चैनल डिप्लेशन टाइप, पी चैनल डिप्लेशन टाइप। तो ये 4 टाइप्स के यहाँ पर ये चैनल हैं, यानी कि मोसफेट में होते हैं। तीसरा, हम इनमें कंपैरिजन देखते हैं कि जो BJT है ये स्विच की तरह काम आता है, यानी हम इसको स्विच की तरह काम लेते हैं, और ये किसका बना होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन का ये BJT बना होता है, जबकि जो मोसफेट है, मोसफेट को हम रजिस्टर की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? रजिस्टर की तरह यूज करते हैं। और जो रजिस्टर है वो किसका बना जाता है? मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर का ये बना जाता है, मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। इसके बाद में हम देखते हैं चौथा कंपैरिजन। चौथा कंपैरिजन क्या है दोनों के बीच में, BJT और मोसफेट के बीच में? जो BJT है वो 3 रीजन में काम करता है, यानी जो इसकी वर्किंग है वो 3 रीजन में वर्किंग है। कौन कौन से हैं 3 रीजन? पहला रीजन है वो है सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एक्टिव रीजन, जिसमें ये स्विच की तरह काम करता है। और तीसरा रीजन है वह कट ऑफ रीजन, जिसमें ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। जबकि मोसफेट है ये 2 रीजन में ही कॉपरेट होता है। तो इसकी जो वर्किंग है मोसफेट की वो क्या है? 2 रीजन के अंदर ही है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है एनहेंस्ड टाइप, एनहेंस्ड टाइप। और दूसरा है डिप्लीशन टाइप, DEPLETION, डिप्लीशन टाइप। चौथा कंपैरिजन देते हैं, जो BJT की इनपुट इम्पीडेंस होती है वो लो होती है, इनपुट इम्पीडेंस BJT की लो होती है, जबकि पावर मोसफेट की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो हाई होती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस।
यानी कि मेगा ओम के अंदर होती है इनपुट इम्पीडेंस। बीजेटी के अंदर है स्विचिंग लॉसेज ज्यादा होते हैं लेकिन कंडक्शन लॉसेज कम होते हैं। स्विचिंग लॉस बीजेटी के अंदर कितने होंगे? ज्यादा होंगे, जबकि कंडक्शन लॉसेज हैं वो बीजेटी के अंदर कम होते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर पावर मोसफेट में देखें तो पावर मोसफेट में स्विचिंग लॉसेज हैं वो कम होंगे। पावर मोसफेट में स्विचिंग लॉसेज कम होते हैं लेकिन जिसके ऑन रेजिस्टेंस और कंडक्शन लॉसेज हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी इसके कंडक्शन जो लॉसेज हैं पावर मोसफेट के वो ज्यादा होते हैं। उसके बाद में अगला कंपैरिजन हम देखें कि जो बीजेटी है वो लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। किस पर ऑपरेट होता है? लोअर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट होगा। लोअर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कम फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है बीजेटी, जबकि पावर मोसफेट है ये हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हायर फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है और हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करने की वजह से जो टाइम हम निकालते हैं 1/f यानी 1/ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम यहाँ पर कम होगा। इसलिए हम जो भी फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन है, फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में हम इसका उपयोग है मोसफेट का उपयोग करते हैं, यानी पावर मोसफेट का उपयोग हम फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में करते हैं। बीजेटी है ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी करंट को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। करंट कंट्रोल डिवाइस, जबकि जो पावर मोसफेट है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसके बाद हम देखें अगला कंपैरिजन, बीजेटी है उसके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जबकि पावर मोसफेट है इसके अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बीजेटी है ये, बीजेटी के अंदर सेकेंडरी ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि पावर मोसफेट के अंदर सेकेंडरी ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम की संभावना है, यानी सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है मोसफेट के अंदर। सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, यानी होती नहीं है। इसके बाद में बीजेटी है उसकी वोल्टेज रेटिंग है वो लो होती है, बीजेटी की वोल्टेज रेटिंग है वो लोअर होती है, लोअर वोल्टेज रेटिंग, जबकि जो पावर मोसफेट है इसकी हाई वोल्टेज रेटिंग होती है। यानी हाई वोल्टेज रेटिंग में ही पाया जाता है, हाई वोल्टेज रेटिंग। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो फैक्टर थायरिस्टर के टर्न ऑफ को वेरी करते हैं, यानी राइट
वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर विच इन्फ्लुएंस द टर्न ऑफ टाइप ऑफ थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो थायरिस्टर के टर्न ऑफ टाइम को इफेक्ट करते हैं, यानी जिनकी वजह से थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम में कोई परिवर्तन होता है। एंड एक्सप्लेन हाउ द टर्न ऑफ टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड, हाउ द टर्न ऑफ टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड कैन बी मिनिमाइज्ड यानी कैसे इस टर्न ऑफ टाइम को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट, क्योंकि जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट को हम कम करते जाते हैं और होल्डिंग करंट से कम कर देते हैं तो थायरिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो फैक्टर है वो है DI/DT एट द टाइम ऑफ परम्यूटेशन यानी चेंज इन द करंट। DI/DT एट द टाइम ऑफ परम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या होता है, थायरिस्टर को बंद करने की प्रोसेस होती है कम्यूटेशन, यानी उस टाइम पर जब थायरिस्टर को बंद कर रहे हैं वहां उस टाइम पर DI/DT की रेटिंग क्या है, यानी DI/DT की वैल्यू क्या है, किस रेट से चेंज है यहाँ पर करंट हो रही है। थर्ड है जंक्शन टेम्परेचर, जो BJT या थायरिस्टर का जो जंक्शन टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग भी ये कम्यूटेशन या टर्न ऑफ टाइम है वो चेंज हो जाता है। चौथा जो फैक्टर है वो है द डॉपिंग लेवल ऑफ वेरियस रीजन, यानी कि बेस की किस तरह की डॉपिंग की गई है, कलेक्टर की किस तरह की डॉपिंग की गई है, एमिटर की किस तरह की डॉपिंग की गई है, द डॉपिंग लेवल अलग अलग रीजन की किस तरीके से डॉपिंग की गई है। पांचवा जो फैक्टर है वो है विड्थ ऑफ द रीजन्स, यानी बेस की विड्थ क्या है, कलेक्टर की विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ द रीजन, एमिटर की विड्थ क्या है, एंड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी और कितना वोल्टेज वो ब्लॉक कर रहा है, एंड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो इनके अकॉर्डिंग है टर्न ऑफ टाइम है थायरिस्टर का वेरी होता है। जैसे ही हम तो किस तरीके से वेरी करता है, जैसे ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट का इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये थायरिस्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट की कम्यूटेशन से पहले हाई है तो उस टाइम पर जो जंक्शन के अंदर वोल्टेज बनेगा यहाँ पर, यानी कि जो तीन जंक्शन होता है हमारे पास में एमीटर बेस कलेक्टर और यहाँ पर जंक्शन बनता है ये जंक्शन, तो जैसे ही ये मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट का वैल्यू
इसका वैल्यू ज़्यादा होगी तो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम भी ज़्यादा होगा, और फॉरवर्ड करंट की वैल्यू बिफोर कम्यूटेशन अगर हाई है, यानी इस फॉरवर्ड करंट की वैल्यू अगर कम्यूटेशन से पहले अगर हाई है तो ये चार्ज है जंक्शन जे टू पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है या ज़्यादा चार्ज है स्टोर होने लग जाएगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और ज़्यादा चार्ज स्टोर होने की वजह से इस चार्ज को रिकम्बाइंड करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी, इसलिए टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तो रिकम्बिनेशन से ही हम थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम डिसाइड करते हैं। तो जब चार्ज पहले से यहाँ पर ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो रिकम्बिनेशन में ज़्यादा समय लगेगा, इस वजह से थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है डी आई वाई डी टी एट दी टाइम कम्यूटेशन, उसके बाद में हम देखें कि जो टर्न ऑफ टाइम है थायरिस्टर का वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही हम क्या करते हैं रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे हम रिवर्स वोल्टेज, जैसे ही इसको इंक्रीज करेंगे हम रिवर्स वोल्टेज को तो यहाँ पर क्या होगा टर्न ऑफ टाइम में थायरिस्टर का डिक्रीज जाएगा। टर्न ऑफ टाइम डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्लेन हाउ डू टर्न ऑफ टाइम कैन बी मिनिमाइज, तो टर्न ऑफ टाइम को मिनिमाइज करना है तो हम रिवर्स वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं, तो टर्न ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और किस रेंज में डिक्रीज हो जाएगा, 0 से 15 वोल्ट तक टर्न ऑफ टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रिवर्स हाई वोल्टेज है उसकी वजह से क्या होगा जंक्शन जे वन, जैसे कि ये जंक्शन बनता है यहाँ पर जंक्शन जे वन, ये जंक्शन जे टू है और ये जंक्शन जे थ्री है, तो जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा हाई रिवर्स वोल्टेज है वो यहाँ पर जो भी जंक्शन के अंदर बन रहा है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जे वन और जे टू ये इसको कम कर देगा, यानी इस लेयर को कम कर देते हैं और इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो इस वजह से ये स्पीड है इसकी बढ़ जाएगी और जंक्शन का जो टर्न ऑफ टाइम है वो क्या होगा टर्न ऑफ टाइम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एंड ड्रा दी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मोसफेट। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम, स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोसफेट। स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोसफेट यानी मोसफेट की किस तरीके से स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मोसफेट को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कुछ डिले होता है, तो इसके स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे
जैसे इसकी स्विचिंग क्राइसिस बनाए हम, इस तरीके से बनेगी। सिस्टम बड़ा है तो स्विचिंग का इस तरीके से बनाइए। यहाँ पर तीन हमारे पास में होते हैं, एक तो बीजी यानी कि गेट वोल्टेज क्या है वो हमें देखना होगा, दूसरा हमें देखना होगा बीजीएस यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है, ये हमें देखना होगा, और तीसरा हमें देखना होगा कि ड्रेन करंट क्या है। ड्रेन करंट क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमें क्या बनाते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बनाएंगे यानी कि बीजीएस बनाएंगे, तो बीजीएस में हमें ध्यान रखना होगा कि इसका जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वो क्या है, यानी कि इसका एक मिनिमम वोल्टेज होता है जिसे हम बोलते हैं BGST। यहाँ पर एक वोल्टेज होगा, यानी इसी कम वोल्टेज पर ये थायरिस्टर है जो मोस्फेट है ये ऑन नहीं होने वाला है, और दूसरा एक लेवल होगा जिस पर ये ऑन हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम B1। इसी के अकॉर्डिंग ये ऑन होगा। तो सबसे पहले इसका इनिशियल डिले हम दे देते हैं, इनिशियल डिले क्या है, इनिशियल डिले जो BGST के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो इनिशियल डिले है, तो यहाँ से जब हम वोल्टेज देंगे तो ये इनिशियल डिले कहलाएगा, ये वाला देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम मोस्फेट को ऑफ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे तरीके, तो इससे पहले यानी कि ये BGST है, इससे पहले ये थायरिस्टर है हमारा, ये जो मॉस्फेट है ये ऑन नहीं होगा, यानी इस पॉइंट से पहले ऑन ये नहीं होगा, यहाँ से हमें करंट मिलेगी यानी ड्रेन करंट हमें यहाँ से मिलेगी, इसके सेंटर में है। ये होता है हमारा BGST यानी B1 के जस्ट
वोल्टेज लेवल को हम बोलते हैं VGSV, VGSV, यहाँ तक ही करंट है हमारी आएगी, यानी इसी के अकॉर्डिंग हमारी करंट है वो आएगी। अब देखते हैं ये B1 वोल्टेज का लेवल है ये कहाँ से आएगा, ये B1 वोल्टेज का लेवल जो गेट पर जो वोल्टेज दिया जाएगा, यानी PG जो वोल्टेज दिया जाता है गेट पर वोल्टेज, इसका ही लेवल होता है B1 वोल्टेज। यहाँ पर हम B1 का वोल्टेज का लेवल होना चाहते हैं, ये जो वोल्टेज लेवल होगा होगा B1 वोल्टेज, ये हमारा होगा B1 वोल्टेज, यानी यहाँ तक ये B1 है, तो जहाँ तक हमें मिलेगा वहीं उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट निकाल लेंगे। और यहाँ पर अब ड्रेन करंट आएगी, तो ड्रेन करंट किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी ड्रेन करंट, यहाँ से स्टार्ट होगी इस पॉइंट से, और ये इस पॉइंट को छूती हुई जाएगी इस तरीके से आएगी, ये ड्रेन करंट होगी हमारी, और यहाँ पर इस पॉइंट को होते हुए डाउन हो जाएगी, यानी यहाँ से ये डाउन हो जाएगी, और साथ साथ में इसके साथ साथ में बंद होगी, यानी कि इसका जो निचला वाला सिरा है PGST का जो निचला वाला सिरा है, इससे पहले ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कंप्लीट नहीं जाएगी, कंप्लीट इस तरह तक नहीं जाएगी, यहीं पे जीरो हो जाएगी, यानी इस सेक्शन तक ये नहीं जाएगी। जैसे ही हम MOSFET को टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक इनिशियल डिले होगा जिसे हम कहेंगे TDN, पर इनिशियल डिले कौन सा है, यहाँ पर ये वाला जो डिले है, ये वाला जो सेक्शन है ये इनिशियल डिले है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल डिले। तो ये क्या है, इस डिले की वजह से हम ये BGST है, BGST को क्या बोलते हैं, वैसे डिले होता है इसे हम बोलते हैं इनपुट कैपेसिटेंस चार्ज टू गेट रिजल्ट वोल्टेज, इनपुट चार्ज टू गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक जो चार्ज होगा उसके लिए जो डिले दिया जाता है वो दिया जाता है TDN से, इसे हम टर्न ऑन डिले टाइम भी कह सकते हैं, TDN को क्या कहेंगे हम, टर्न ऑन डिले टाइम। उसके बाद में एक और डिले होगा जिसे हम कहते हैं TR। अब TR कौन सा है, जैसे यहां से यहां तक तो हमारा क्या डिले टाइम है, फिर यहां से और यहां तक ये क्या कहलाएगा TR, TR का मतलब कि VGST से लेकर के और ये VGST तक यानी पीक वैल्यू तक, ये वाला जो टाइम है ये कहलाएगा हमारा TR,
ये वाला जो टाइम है, ये वाला यहाँ पर जो टाइम रहेगा, इसे हम कहेंगे टी आर, यानी कि राइज टाइम। यानी वोल्टेज कहाँ तक जाएगा, ये वोल्टेज वी जी एस टी से वोल्टेज वी जी एस टी तक जाता है, उसे हम कहते हैं राइज टाइम या टी आर। यानी यहाँ पर गेट वोल्टेज है हमारा, ये जो गेट वोल्टेज है BGS है, ये गेट वोल्टेज BGST से BGSP तक बढ़ रहा है। तो ये BGST वोल्टेज है, ये क्या है, MOSFET को ड्राइव करने के लिए ये कंपलसरी वोल्टेज है, यानी इतना वोल्टेज हमें जरूरी होता है। यानी कि हमें अगर MOSFET को ऑन करना है तो BGST वोल्टेज हमें चाहिए होगा MOSFET को ऑन करने के लिए। यहाँ तक हमें वोल्टेज बढ़ाना होगा। और राइज टाइम के समय, जैसे कि ये टी आर है, राइज टाइम के समय जो हमारी ड्रेन करंट है, ये ड्रेन करंट जीरो से लेकर के कहाँ तक बढ़ रही है, इसकी फुल वैल्यू तक बढ़ जाएगी, यानी कि जीरो से लेकर के यहाँ तक फुल वैल्यू तक बढ़ जाएगी ड्रेन करंट ड्यूरिंग राइज टाइम। हमारी जो आईडी करंट की वैल्यू है, यानी कि ड्रेन करंट की वैल्यू जीरो से लेकर फुल वैल्यू तक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ही फुल वैल्यू है, यहाँ तक ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर टोटल टर्न ऑन टाइम हमें पता करना है, जैसे कि यहाँ से पता चलेगा टोटल टर्न ऑन टाइम, तो टोटल टर्न ऑन टाइम क्या होगा, टोटल टर्न ऑन टाइम हमारा होगा टी ऑन इक्वल टू टी डिले, यानी टी डी एंड डिले टाइम प्लस टी आर राइज टाइम, इन दोनों का योग होगा। अगर इस टर्न ऑन टाइम को हम रिड्यूस करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टर्न ऑन टाइम को कम करने के लिए हम लो इम्पीडेंस गेट ड्राइव सोर्स यूज कर सकते हैं। लो इम्पीडेंस गेटेड ड्राइव सोर्स हम उपयोग करके इस टर्न ऑन टाइम को कम कर सकते हैं, यानी इसमें हम कमी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर MOSFET है, वो क्या है, मेजोरिटी के लिए डिवाइस है, तो MOSFET क्या है, हमारी मेजोरिटी के लिए डिवाइस, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस में क्या होगा, जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही गेट वोल्टेज को रिमूव करते हैं तो इसमें टर्न ऑफ, यानी कि MOSFET को टर्न ऑफ होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हमने यहाँ पर लगाया हुआ है गेट वोल्टेज ये भी, जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, यानी यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिया गेट वोल्टेज, जहाँ पर भी हमने गेट वोल्टेज हटाया है वहीं से ये अपना बंद होने की प्रोसेस में MOSFET स्टार्ट कर देता है। तो बंद होने की प्रोसेस में हम इसका टाइम देखते हैं, टर्न ऑफ टाइम क्या होगा कहलाएगा, यहाँ पर TDF कहलाएगा, यानी डिले टाइम। तो वोल्टेज है वो यहाँ से, यानी कि V1 वैल्यू से BGST तक ये वोल्टेज वैल्यू है, ये वाली वोल्टेज की रेंज है, ये क्या कराएगी TDF, यानी कि ये क्या है, जब हम इसको ऑफ कर रहे हैं तो टर्न ऑफ डिले टाइम है, यानी टर्न ऑफ होने में जो डिले हो रहा है उसको हम कहेंगे TDF। TDF क्या है यहाँ पर, टर्न ऑफ डिले टाइम, टर्न ऑफ डिले TDF। उसके बाद में TDF के समय टर्न ऑफ डिले टाइम है, इस टाइम में क्या होता है, जैसे कि टर्न ऑफ के समय क्या है, इनपुट कैपेसिटेंस है वो BGSP तक, यानी BGSP तक क्या होता है, चार्ज होता है, यानी गेट थ्रीफोर्ड वोल्टेज तक चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज हुआ है कैपेसिटेंस वो डिस्चार्ज होगा, यानी कि इनपुट कैपेसिटेंस
ओवरड्राइव गेट वोल्टेज टू BJT। तो ओवरड्राइव गेट वोल्टेज यानी कि ये ओवरड्राइव गेट वोल्टेज है इस पॉइंट पर, ये वाला वोल्टेज का पॉइंट है वो है ओवर ड्राइव गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज इससे ये कम होगा। तो TDF को अगर हम डिफाइन करना है, यानी TDF क्या होता है, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि TDF है ये कौन सा टाइम है जब इनपुट कैपेसिटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरड्राइव गेट वोल्टेज टू VGSD, यानी कि V1 टू VGSD। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर, यानी इस पॉइंट में था वोल्टेज, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्चार्ज होने में जो समय लगा है उसे हम कहते हैं TDF। दूसरा है TF। TF कौन सा होगा? TF समय कहलाएगा हमारा, यानी कि BGST तक जो समय लगा है, BGST से BGST तक का समय, ये वाला समय है, ये हमारा कहलाएगा TF, यानी कि ऑफ टाइम, या इसको हम बोलते हैं TF को फॉल टाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉल टाइम, यानी कि BGST से BGST तक जो वोल्टेज गिरने में समय लगा है उसे हम कहेंगे फॉल टाइम। क्या कहेंगे हम TF को? यह वह टाइम है जब इनपुट कैपेसिटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम कहां से BGST से लेकर के कहां तक डिस्चार्ज होता है? BGST तक डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर इस पर दिखाया गया है BGST से लेकर BGST तक डिस्चार्ज होने में जो समय लिया है कैपेसिटेंस से, उसे कम कहेंगे फॉल टाइम, यानी TF। तो TF के समय हमारी जो ड्रेन करंट है वो क्या होगी? हमारी ड्रेन करंट है वो ID से जीरो पर चली जाती है, यानी यहाँ पर ID करंट थी हमारी ड्रेन करंट की वैल्यू, ये कहाँ पर पहुँच जाती है? जीरो पर पहुँच जाती है। तो ड्यूरिंग फॉल टाइम आवर ड्रेन करंट फॉल फ्रॉम फुल वैल्यू टू जीरो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी VGS की वैल्यू क्या होती है? VGST से लेस देन होती है। ये BGST वोल्टेज है, इससे जैसे ही BGST की वैल्यू कम हुई है, यानी इधर कम हुई है, तो यहाँ पर MOSFET है कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाएगा। इसी पॉइंट पर MOSFET कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाएगा जैसे ही BGST की वैल्यू BGST से कम होगी, तो MOSFET कम्प्लीट ऑफ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि MOSFET को कम्प्लीट किस तरीके से ऑफ करते हैं, तो ये प्रोसेस है के द्वारा हम MOSFET को कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी हमें ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कि थर्स्टर के टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑन टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन है Write the various factor which influence the turn on time of thyristor. Explain how the turn on time can be minimized. Can be minimized.
यानी कि टर्न ऑन टाइम को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और टर्न ऑन टाइम है हमारा किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिस पर टर्न ऑन टाइम डिपेंड करता है हमारा, वो है रेट ऑफ प्राइज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज, रेट ऑफ प्राइज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज, कैथोड वोल्टेज। दूसरा है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड गेट करंट, फॉरवर्ड गेट करंट, यानी कि फॉरवर्ड गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या है टर्न ऑन टाइम। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो जल्दी से टर्न ऑन हो जाएगा, अगर ज्यादा यहाँ पर रेट ऑफ प्राइज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज होगा तो जल्दी से हमारा जो क्या है थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। तीसरा जो पैरामीटर डिपेंड करता है वो है डॉकिंग लेवल ऑफ वेरियस रीजन, डॉपिंग की बेस मीटर कलेक्टर किस तरीके से डॉपिंग की गई है, तो डॉपिंग लेवल ऑफ वेरियस रीजन। चौथा है वो जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, जंक्शन टेम्परेचर पर ये टर्न ऑन टाइम है हमारे थायरिस्टर का वो डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि टर्न ऑन टाइम को किस तरीके से मिनिमाइज किया सकता है। तो टर्न ऑन टाइम को अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे कि मैग्नीट्यूड गेट करंट का हाई है तो ये क्या है लेस टाइम लेगा चार्ज को इंजेक्ट करने के लिए, यानी कि गेट करंट का मैग्नीट्यूड हाई होगा, गेट करंट का मैग्नीट्यूड अगर हाई होगा ज्यादा होगा तो ये कम समय लेगा चार्ज को इंजेक्ट करने के लिए, यानी लेस टाइम टू इंजेक्ट द चार्ज, और चार्ज को इंजेक्ट करने में अगर कम समय लेगा तो टर्न ऑन टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कि हीट करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो टर्न ऑन टाइम हमारा थायरिस्टर का वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जैसे गेट करंट को हम बढ़ाते हैं या गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो चार्ज को इंजेक्ट करने में कम समय लिया जाता है, और चार्ज को इंजेक्ट करने में कम समय लेने की वजह से थायरिस्टर है वो जल्दी ऑन हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड है गेट करंट का वो कितना लेते हैं हम, जनरली मैग्नीट्यूड गेट करंट का 3 to 5 टाइम्स मिनिमम गेट करंट, जो एसईआर के लिए जो मिनिमम गेट करंट है उससे ज्यादा लेते हैं हम, यानी एसईआर के लिए जो मिनिमम गेट करंट चाहिए उससे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा लेते हैं या हायर लेते हैं, इससे एसईआर के ऑन करने के लिए जो मिनिमम गेट करंट जैसे ही हम गेट करंट को यानी जो गेट करंट है अगर उसको मिनिमम गेट करंट से बहुत ज्यादा टाइम्स हायर ले लेते हैं, 3 to 4 टाइम्स ले रखे यहाँ पर, अगर बहुत ज्यादा टाइम्स हायर ले लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, हार्ड फायर्ड या फिर हार्ड फायरिंग इसको कहेंगे, क्योंकि गेट करंट को जैसे हम ज्यादा लेते हैं बहुत ज्यादा सेवरल टाइम्स 3 or 5 की जगह हम लेते हैं सेवरल टाइम्स हायर देन दी मिनिमम गेट करंट, higher than the minimum gate current, minimum gate current। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे hard fired या फिर overdriven hard firing कह सकते हैं, overdriven hard fired
या फिर हम कह सकते हैं ओवर ड्राइविंग ऑफ थायरिस्टर रिड्यूसेस टर्न ऑन टाइम, इस तरीके से कह सकते हैं ओवर ड्राइविंग ऑफ थायरिस्टर रिड्यूसेस टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन टाइम और जैसे ही इसका टर्न ऑन टाइम रिड्यूस होगा उसकी वजह से यानी ओवर ड्राइविंग ऑफ हार्ट थायरिस्टर की वजह से क्या होगा एनहेंस डीआई बाय डीटी कैपेबिलिटी और सी डीआई बाय डीटी कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेन एंड ड्राइव द स्विचिंग क्राइसिस ऑफ पावर बाय आरजी एक्सप्लेन एंड ड्रा द स्विचिंग क्राइसिस ऑफ पावर आईजीबीटी, एक्सप्लेन एंड ड्रा द स्विचिंग क्राइसिस ऑफ पावर आईजीबीटी। ये क्वेश्चन हम देखते हैं ये 2000 RTO एग्जाम के अंदर 2017 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है, 4-5 साल कंटिन्यू ये पूछा गया है। तो हम स्विचिंग क्राइसिस आईजीबीटी की देखते हैं कि किस तरीके से स्विचिंग क्राइसिस आईजीबीटी तो इसमें हमारे पास में 3 पैरामीटर होंगे आईजीबीटी स्विचिंग क्राइसिस के अंदर। यानी कि एक तो होगा गेट टू मीटर वोल्टेज पॉइंट पर हम दोनों पैरामीटर एक साथ देख लेंगे पॉइंट पर कौन कौन से यानी कि कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट ये हम दोनों इसी पॉइंट पर एक साथ देखेंगे और दूसरा है यहाँ पर हम देखेंगे गेट टू मीटर वोल्टेज ये हम देखेंगे तो यहाँ पर जो टाइम होता है जैसे कि टर्न ऑन टाइम हमें बताना है तो टर्न ऑन टाइम कैसे बताएंगे हम यानी कि आईजीबीटी के अंदर अगर हमें टर्न ऑन टाइम बताना है टर्न ऑन टाइम क्या होगा क्योंकि
क्रशेस के अंदर दो चीज आती है, टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑन टाइम आईजी का होता है, वो होता है जब हम आईजीबीटी को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ऑन स्टेट के अंदर लाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से हम आईजीबीटी को लाते हैं फॉरवर्ड ऑन स्टेट के अंदर, फॉरवर्ड ऑन स्टेट के अंदर, उसे हम कहते हैं टर्न ऑन टाइम। और टर्न ऑन टाइम यहाँ पर इसके द्वारा बना होगा, दो टाइम के अकॉर्डिंग बना होगा, यानी टर्न ऑन टाइम यहाँ पर भी दो टाइम के अकॉर्डिंग बना होगा, TDN यानी कि डिले टाइम और TR यानी कि राइज टाइम, इन दोनों से कराना होगा। तो यहाँ पर डिले टाइम क्या होता है और राइज टाइम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जो डिले टाइम होता है यहाँ पर वो दिया जाएगा, यहाँ से हम लेंगे डिले टाइम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा BGET बना लेते हैं, BGET क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में देख लेते हैं, BGET की संरचना किस तरीके से होगी यहाँ पर, जैसे ये BGE है तो इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम लेते हैं, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कुछ आएगा लेवल का, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये हमारा क्या है BGET का लेवल है, इतना मान लेते हैं ये हमारा BGET का लेवल है, यानी इसकी वोल्टेज ऊपर ही होगा। तो वोल्टेज का लेवल किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा, फिर इसके बाद में इस तरीके से लेवल बढ़ा, इसके बाद में थोड़ा सा लेट रहा, फिर वोल्टेज लेवल इस तरीके से बढ़ा, ये क्या है वोल्टेज लेवल इस तरीके से बढ़ेगा और ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा, वोल्टेज का लेवल डाउन होगा, इसी लेवल में बढ़ा है इस तरीके से, फिर वोल्टेज लेवल इस तरीके से डाउन होगा, फाइनल इस तरीके से डाउन हो जाएगा। तो ये है वोल्टेज का जो लेवल है यहाँ पर इस पॉइंट पर, वो है BGET लेवल, यानी कि गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसी के अकॉर्डिंग है हम यहाँ पर गेट सोर्स यानी कि जो करंट है वो हम बढ़ाएंगे, कलेक्टर मीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करेंट, उसके बाद में ये गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है तो यहाँ से लेंगे हम, बाकी करंट की जो राइज टाइम और डिले टाइम है वो नीचे और थर्ड वन लेंगे हम जिसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पर है फाइनल पॉइंट, इसी तरीके से टर्न ऑफ टाइम के लिए लेंगे, टर्न ऑफ टाइम के लिए किस तरीके से लेंगे,
यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग हम करंट की वैल्यू देखते हैं। जैसे कि जो वोल्टेज का लेवल है वो सबसे पहले इस तरीके से डाउन होगा, यहाँ पर वोल्टेज मानते हैं, यहाँ पर तो सही चलेगा एक वोल्टेज, फिर यहाँ से यहाँ डाउन होगा, यहाँ तक ये डाउन होगा, फिर यहाँ से और यहाँ तक वापस डाउन होगा इस पॉइंट तक, यानी कि लाइन तक, और इसके बाद में थोड़ा डाउन होगा इस तरीके से, यानी कि थोड़ा सा डाउन होगा इस तरीके, फिर ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लेवल है ये इस तरीके से चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर एक और वोल्टेज का लेवल है वो इस लाइन तक आएगा, तो ये क्या होगा सेकंड वाली लाइन से, यानी यहाँ वाली लाइन से ये ऊपर की साइड जाएगा और इस तरीके से जाएगा, और जो लास्ट वाली लाइन है उसके पास में सीधा बढ़ेगा, यहाँ से फिर डायरेक्ट इस तरीके से बढ़ेगा, और जो पहले हमारा निकल पॉइंट है यानी यहाँ पर जो निकल पॉइंट है इससे जैसे ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पर ये दोबारा इसी तरीके से मूव करेगा, जैसे डीसी वोल्टेज मूव करेगा इस तरीके से। अब देखते हैं हम करंट, जैसे वोल्टेज एक वोल्टेज के ऊपर होगी करंट किस तरीके से मूव करेगा, करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, मान लेते हैं जहाँ तक वोल्टेज गया वहां तक ही करंट भी जाएगा, जिस तरीके से वोल्टेज इंक्रीज हुआ है उसी तरीके से करंट भी इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ पर ये बढ़ बड़ा घटा है तो ये क्या करेगी, राइज करेगी करंट, करंट की वैल्यू राइज करेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी वोल्टेज की करंट की वैल्यू बढ़ी है उसके बाद में यहाँ पर भी ये बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, जहाँ तक ये वोल्टेज है,
यहाँ से करंट है हमारी यहाँ तक स्मूथ में आएगी सेकंड पार्ट में, उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है ये वाला यहाँ तक डिग्री जो भी जैसे कि यहाँ तक डिग्री जो भी उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड है ये करंट जो जाएगी इस तरीके से जाएगी यानी यहाँ से डाउन होगी है फिर यहाँ से इस तरीके से डाउन होगी और यहाँ पर हम देखेंगे कि डिले टाइम कहाँ है राइज टाइम कहाँ है कौन कौन सी सेक्शन में कौन कौन सा टाइम है दिया हुआ है तो IGBT की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर हम देखें कि ये वाला जो टाइम है ये क्या कहलाएगा टर्न ऑन टाइम, यानी कि टर्न ऑन टाइम है उसकी वैल्यू क्या होगी TDN यानी डिले टाइम प्लस राइज टाइम। इसी तरीके से टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू क्या होगी टर्न ऑफ वैल्यू टाइम की वैल्यू होगी जैसे कि यहाँ पर जो टाइम है यानी TDF प्लस TFR, TDF प्लस TFR यानी कि फॉल टाइम प्लस डिले टाइम ये दोनों का समेशन होगा। तो डिले टाइम है ये क्या किस तरीके से दिखाया जाएगा स्टार्टिंग में जो डिले टाइम है ये वाला टाइम है TD ये डिले टाइम है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये डिले टाइम है। ये बताया जाता है कि हमारा जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है यानी कि VC कलेक्टर मीटर वोल्टेज ये हमारा इनिशियल वैल्यू से 90% वैल्यू तक डिक्रीज हो रहा है उसे हम कहेंगे डिले टाइम। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है 0 से 0.1, तो ये 0.1 तक ये करंट की वैल्यू कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे डिले टाइम। तो दो तरीके से डिले टाइम बता सकते हैं, या तो हमारा कलेक्टर मीटर वोल्टेज इनिशियल वैल्यू से 0.9 BC तक गिरे या फिर हमारी जो कलेक्टर करंट है वो 0.1 IC तक इंक्रीज हो उसे हम कहेंगे डिले टाइम। उसके बाद में आता है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होगा जब हमारी करंट 0.1 IC से यानी 0.1 IC से यहाँ तक इंक्रीज करती है यानी जब हमारी करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करती है ये वाला टाइम हमारे पास में कहलाएगा राइज टाइम। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास में जो वोल्टेज है वो 0.9 IC से कहां तक डिक्रीज करता है 0.1 BC तक यानी 0.9 90% कलेक्टर मीटर वोल्टेज से 0.10% या 10% कलेक्टर मीटर वोल्टेज तक डिक्रीज करता है ये हमारा कहलाएगा राइज टाइम यानी कि TR। IC यहाँ पर क्या है IC ये फाइनल वैल्यू है कलेक्टर करंट की ये वाली करंट करंट तो इस तरीके से ये राइज टाइम और फॉल टाइम है दिखाया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं टर्न ऑफ टाइम के समय यानी टर्न ऑफ टाइम के टाइम क्या होगा
तो कलेक्टर करंट की वैल्यू यहाँ पर 0.1 IC से फाइनल वैल्यू तक इंक्रीज कर रही है, इसे हम कहेंगे रजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम देखें, जैसे ही थायरिस्टर हमारा ऑन हो जाता है, यानी कि IGBT हमारा ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद में कलेक्टर मीटर वोल्टेज है, जैसे ही ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद में इतना सा वोल्टेज हमारा एक डिक्रीज करता है, यानी कलेक्टर मीटर वोल्टेज है, ये वोल्टेज डिक्रीज करता है VCES। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं हम, इस वोल्टेज को हम कहते हैं कंडक्शन ड्रॉप, जिसे हम VCES इस तरीके से डिनोट किया गया है, इसे हम कहेंगे कंडक्शन ड्रॉप। इस वैल्यू पर ये डिक्रीज होगा, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद में टर्न ऑफ टाइम है, टर्न ऑफ टाइम के अंदर भी डिले टाइम होगा, यानी कि TDF होगा डिले टाइम, TFL होगा यानी कि इनिशियल फॉल टाइम, ये TF1 है, और TF2 भी होगा यहाँ पर, यानी कि फाइनल फॉल टाइम। ये इनिशियल फॉल टाइम है यहाँ से यहाँ तक का ये सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये है हमारा इनिशियल फॉल टाइम, और ये वाला जो सेक्शन है ये फाइनल फॉल टाइम, ये वाला जो सेक्शन है ये फाइनल फॉल टाइम। तो दो तरह के फॉल टाइम होंगे, और एक होगा टर्न ऑफ डिले टाइम, तो ये वाला टाइम होगा हमारा टर्न ऑफ डिले टाइम, टर्न ऑफ डिले टाइम। तो इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो इसे डिफाइन करने के लिए, यानी टर्न ऑफ टाइम डिफाइन करना है, तो TDF प्लस TF1 यानी कि इनिशियल फॉल टाइम प्लस TF2 यानी कि फाइनल फॉल टाइम, इन सब का योग होगा। तो डिले टाइम क्या है, यानी कि गेट वोल्टेज है वो BGE से थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक जा रहा है, वो कहलाएगा डिले टाइम। यानी कि जो BGE वोल्टेज है हमारा, ये वाला वोल्टेज, इससे BGET तक जो ड्रॉप होने में समय लगा है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं डिले टाइम, यानी कि TDF, डिले टाइम बोलेंगे इसको। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कलेक्टर करंट है हमारी, वो क्या होगी, यानी फाइनल वैल्यू से 0.9 IC तक गिर रही है, यानी कम हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे डिले टाइम। और जैसे ही कलेक्टर करंट है, जैसे कलेक्टर करंट है यहाँ पर, कलेक्टर मीटर वोल्टेज, जैसे ये यहाँ पर डिले टाइम बंद होगा, कलेक्टर मीटर वोल्टेज है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से 0.1 IC से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक बढ़ेगा, अपनी फाइनल वैल्यू तक बढ़ेगा। ये मीटर वोल्टेज बिगेन टू राइज, और फर्स्ट फॉल टाइम है ये TF1, यानी कि ये वाला जो टाइम है TF1, फर्स्ट फॉल टाइम जिसे हम बोलते हैं TF1, ये फर्स्ट फॉल टाइम है। इसको किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, इसमें कलेक्टर करंट है 0.90 से 0.20 तक आ रही है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट फॉल टाइम, यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू 0.90 से 0.20 तक आती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉल टाइम, यानी 0.90 टू 0.20। कलेक्टर करंट की वैल्यू इस वैल्यू में जो डिक्रीज हो रही है उसे हम कहेंगे फर्स्ट फॉल टाइम। और कलेक्टर करंट वोल्टेज है, यानी कि कलेक्टर मीटर वोल्टेज VCES से, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये फर्स्ट फॉल टाइम में 0.1 VCE तक बढ़ेगा, यानी इस टाइम पर बढ़ेगा VCES से 0.1 VCE तक बढ़ेगा, 0.1 VCE तक बढ़ेगा, ये होगा हमारा फर्स्ट फॉल टाइम। उसके बाद में फाइनल फॉल टाइम है, ये टाइम होगा करंट है जो 0.20 से ये वैल्यू 0.1 IC तक डिक्रीज हो रही है, इसे हम कहेंगे सेकंड फॉल टाइम, यानी TF2। और इनिशियल वैल्यू से ये क्या हो रही है, 0.20 से 0.1 IC तक आ रही है, तो इसे फॉल टाइम कहेंगे। और कलेक्टर मीटर वोल्टेज है यहाँ पर 0.1 VCE से,
यहाँ से इनके जोकर के कहाँ पर पहुंच रहा है, इसकी बीसी वैल्यू तो पहुंच रहा है, तो ये वाला टाइम भी यहाँ पर इस ड्यूरेशन के अंदर टाइम है, ये भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेकंड फॉल टाइम कहलाएगा। तो इस तरीके से स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स की दिखाई गई है। एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर जीटीओ, क्वेश्चन 6 है। एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर जीटीओ, यानी कि गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक गेट ड्राइव सर्किट देखते हैं जीटीओ का। बेसिक क्योंकि गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है, तो इसका बेसिक गेट ड्राइव सर्किट किस तरीके से बनेगा। जो गेट को ड्राइव करने के लिए काम आएगा, गेट ड्राइव सर्किट। तो सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम थायरिस्टर जब बनाते हैं तो थायरिस्टर इस तरीके से बनेगा, जैसे कि ये हम बना देते हैं थायरिस्टर, ये हमारा सिंबल है थायरिस्टर का। तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बनाना है तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये सिंबल हो जाएगा जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। फिर यहाँ पर स्विचिंग को स्मूथ बनाने के लिए या इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम आरएस और सीएस लगा देते हैं, इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकलट कर देंगे, आरएस एंड सीएस। इसके बाद में इस गेट को ड्राइव करने के लिए, यानी गेट टर्मिनल है, इसको ड्राइव करने के लिए हमें सर्किट बनाना होगा। तो उस सर्किट को किस तरीके से बनाएंगे, इसको ड्राइव करने के लिए जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि एनपीएन थायरिस्टर हम यूज करेंगे यहाँ पर। ये क्या है, एनपीएन थायरिस्टर, इसको हमने जोड़ दिया पीएनपी थायरिस्टर से। तो यहाँ पर क्या है, पीएनपी थायरिस्टर है, ये पीएनपी थायरिस्टर है, इसे जोड़ दिया, ये पीएनपी और ये एनपीएन, इसे हम जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर बैटरी अलग से जरूरत होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बैटरी बनाते समय प्लस वाला चिन्ह है बड़ा रहेगा और माइनस वाला चिन्ह है छोटा रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो फिर इसको यहाँ से इसके साथ में अटैच कर, और जो दूसरा टर्मिनल है हमारा ये वाला पीएनपी का, इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर नीचे की साइड लगाएंगे। तरीके से और यहाँ पर भी एक थायरिस्टर लगेगा, और यहाँ से जो बैटरी बनेगी प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वाले टर्मिनल से। तो ये है हमारा बेसिक गेट ड्राइव सर्किट फॉर जीटीओ। तो यहाँ पर अगर हम जीटीओ को टर्न ऑन करना चाहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर क्या होगा,
ये ट्रांजिस्टर T1 है, अगर हम GTO को ऑन करना चाहते हैं तो ये ट्रांजिस्टर T1 है यहाँ पर, इसको सबसे पहले ऑन करना होगा। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये थायरिस्टर T1 है, ये तो क्या है यहाँ पर थायरिस्टर T1, ये थायरिस्टर TR1 है, ट्रांजिस्टर है ये, और ये ट्रांजिस्टर T2 है। तो सबसे पहले अगर हमें ये टर्न ऑफ थायरिस्टर को ऑन करना है या हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले थायरिस्टर 1 को ऑन करेंगे। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो इसकी वजह से थायरिस्टर T2 है ये भी ऑन हो जाएगा, यानी ये थायरिस्टर ऑन होने की वजह से फिर ये थायरिस्टर भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये ऑन होगा तो इस पर भी पॉजिटिव गेट पल्स सप्लाई होगी। और इस वजह से ये क्या करेगा, पॉजिटिव गेट पल्स थायरिस्टर को ऑन करने के लिए अप्लाई करता है। तो जैसे थायरिस्टर T1 ऑन हुआ फिर T2 ऑन होगा और ये पॉजिटिव गेट पल्स थायरिस्टर को ऑन करने के लिए अप्लाई करेगा। और जैसे ही हम GTO को ऑफ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सर्किट को ऑफ करने के लिए सर्किट इस तरीके का होना चाहिए ताकि हाई पी करंट को ये क्या कर सके, कम कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थायरिस्टर यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। तो इसको ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, थायरिस्टर T1 को पहले ऑन करेंगे। अगर हमें ये GTO बंद करना है तो थायरिस्टर T1 को ऑन करेंगे, और जैसे ही T1 ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, लार्ज नेगेटिव पल्स है, नेगेटिव गेट करंट पल्स है, वो थायरिस्टर को ऑफ कर देगी। तो इसकी वजह से नेगेटिव गेट पल्स होगी, जैसे इसको ऑन किया लार्ज नेगेटिव गेट पल्स की वजह से, नेगेटिव गेट पल्स की वजह से ये हमारा GTO है वो ऑफ हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस हमने देखी है कि GTO को ऑन कैसे करना है और ऑफ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट टर्न ऑन, यानी गेट को टर्न ऑन किस तरीके से किया जाएगा। गेट टर्न ऑन प्रोसेस, गेट टर्न ऑन प्रोसेस, टर्न ऑन। तो यहाँ पर GTO को टर्न ऑन की प्रोसेस है वो सिमिलर है जैसे कि हम कन्वेंशनल थायरिस्टर को ऑन करते हैं, जैसे गेट पर पल्स अप्लाई करके हम थायरिस्टर को ऑन करते हैं, उसी तरीके से GTO को भी हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो गेट का टर्न ऑन टाइम है GTO का, वो भी किससे मिलकर बना होता है, डिले टाइम प्लस राइज टाइम से मिलकर बना होता है। और इस आगे हम देखें कि गेट टर्न ऑन टाइम है थायरिस्टर GTO का वो किसके द्वारा डिक्रीज किया जा सकता है, फॉरवर्ड गेट करंट को। अगर हम फॉरवर्ड गेट करंट को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो GTO का जो टर्न ऑन टाइम है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। तो टर्न ऑन टाइम यहाँ पर डिक्रीज किया सकता है, यानी कम किया जा सकता है। जैसे हम फॉरवर्ड गेट करंट को बढ़ाएंगे टर्न ऑन टाइम यहाँ पर डिक्रीज किया जा सकता है।
टर्न ऑन टाइम में क्या होगा, जीटीओ के टर्न ऑन टाइम, डिले टाइम, बैच टाइम, और एक होता है टीएस यानी स्प्लिट टाइम भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम एक फिगर देखते हैं जो कि इसकी स्विचिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। जैसे कि हम ये फिगर देखते हैं जो जीटीओ की स्विचिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो ये जीटीओ है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो यहाँ पर जीटीओ कैन बी टर्न ऑन बाय गेट सिग्नल एंड इट कैन आल्सो बी टर्न ऑफ बाय गेट सिग्नल। इस वजह से गेट के द्वारा इस पर कंट्रोल होता है, इसलिए हम कहते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। जैसे कि यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है, यानी ऑन करने के लिए गेट इनपुट देंगे, ऑफ करने के लिए गेट पल्स है, यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए काम आती है। उसी के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, यानी कि पी एन पी उसी के द्वारा ये गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बनाया जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि ये स्ट्रक्चर है और इसका सिंबल है आईवी क्राइसिस के गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर का। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्विचिंग क्राइसिस ऑफ थायरिस्टर। इसमें हम देखें कि जो जैसे ही हम क्या करते हैं, गेट पल्स जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये वाले गेट पल्स जैसे ही हमने अप्लाई किया है, जैसे गेट पल्स है, ये वाले गेट पल्स हमने जैसे ही अप्लाई किए हैं, स्टेप्ड फ्रंटेड गेट पल्स जैसे ही थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमें अप्लाई किया है, यानी कि जीटीओ को ऑन करने के लिए हमने अप्लाई किया है, जीटीओ को ऑन करने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही हम गेट ड्राइव को रिमूव कर देते हैं, जैसे गेट पल्स दे दी और गेट ड्राइव हमने रिमूव कर दिया, तो जैसे ही एनोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाएगी तो गेट ड्राइव को हम रिमूव कर सकते हैं। तो एनोड करंट है ये आई ए, अगर इसकी वैल्यू लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो जैसे कि यहाँ पर हमने गेट पल्स दी और ये लैचिंग करंट से ज़्यादा हो गई, यानी कि यहाँ पर ही लैचिंग करंट है, अगर इस करंट से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको गेट ड्राइव सर्किट को रिमूव कर सकते हैं। तो गेट ड्राइव सर्किट जो दिखाया गया है यहाँ पर, यानी ये वाला जो गेट ड्राइव सर्किट है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे करंट की वैल्यू यहाँ पर पहुंचेगी, यानी कि लैचिंग करंट से ज्यादा होगी। यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की वजह से ये एडवाइस दी जाती है कि जैसे ही जीटीओ ऑन हो जाए, यानी कि गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जैसे ही ऑन हो जाए, तो यहाँ पर एक क्या है कंटिन्यूस गेट करंट, जिसे हम कहते हैं बैक फोर्स करंट, ये वाली गेट बैक फोर्स करंट है, जैसे ही थायरिस्टर ऑन हो जाएगा ऑन स्टेट की कंडीशन में भी, ये कंटिन्यूस बैक फोर्स करंट है आईजीबी, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है कंटिन्यूस बैक फोर्स करंट। तो ये हमेशा अप्लाई किया जाएगी, यानी पूरे टाइम ये करंट है यहाँ पर अप्लाई की जाएगी जब तक कि थायरिस्टर ऑन होता है, इसको कंप्लीट हम हटा नहीं सकते। इसका वजह क्या है कंटिन्यूस बैक फोर्स करंट अप्लाई करने का, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन की से बच सकते हैं, यानी ये जो करंट आएगी कंटिन्यूस बैक फोर्स करंट, इसकी वजह से हमें यार यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, अनवांटेड टर्न ऑफ थायरिस्टर के हम रोक सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो होल्डिंग करंट से कम वैल्यू करंट आएगी नहीं और हम अनवांटेड टर्न ऑफ से यहाँ पर बच जाएंगे। दूसरी प्रोसेस है वो है गेट टर्न ऑफ।
तो गेट टर्न ऑफ होती है, ये थायरिस्टर की जो टर्न ऑफ प्रोसेस है, यानी ये वाली जो प्रोसेस है, बाकी जो थायरिस्टर की टर्न ऑफ प्रोसेस होती है उससे थोड़ी अलग है। तो जीटीओ की टर्न ऑफ प्रोसेस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्न ऑफ होने से पहले गेट जीटीओ के अंदर जैसे ही टर्न ऑफ करने से पहले यहाँ पर एनोड करंट क्या है, ये आईए करंट है, यहाँ से हम ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तो जीटीओ यहाँ पर स्टेडी स्टेट करंट है आईए, जो कि यहाँ पर बताया गया है आईए करंट ले रहा है टर्न ऑफ से पहले। यहाँ पर टोटल टर्न ऑफ टाइम है उसको तीन डिफरेंट पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। तो टर्न ऑन टाइम तो हमारा हो गया ये वाला सेक्शन टर्न ऑन टाइम, तीन डिफरेंट पीरियड के अंदर किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे टी एफ, टी टी और टी एस, यहां से टर्न ऑफ की क्रिया स्टार्ट हो जाती है इस पॉइंट से। तो टी एस, टी एफ और टी टी, इन तीनों से हम टर्न ऑफ टाइम निकालेंगे अपन। तो टोटल टर्न ऑफ टाइम कैसे दिखाया जाएगा, यहाँ पर ये टी एस है स्टोरेज टाइम कहलाएगा ये वाला, ये टी एफ है ये कहलाता है हमारा होल पीरियड, और टी टी है ये कहलाएगा टेल पीरियड। तो ये क्या कहलाता है, फॉल पीरियड कहलाता है टी एफ, यानी कि जो वैल्यू हम देते हैं टी एफ की वैल्यू, तो टी ऑफ है इसकी वैल्यू होगी टी एफ प्लस टी एस प्लस टी टी। तो यहाँ पर टी एफ की वैल्यू क्या होती है, फॉल टाइम, और टी एस की वैल्यू होती है स्प्रेड टाइम और टी टी की वैल्यू होती है टेल टाइम। इनसे हम निकालते हैं, तो जैसे ही हम टर्न ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जैसे ही हम टर्न ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव गेट करंट है यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, यानी टी इक्वल टू जीरो पर नेगेटिव गेट करंट ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इस इंस्टेंट पर, ए इंस्टेंट पर नेगेटिव फॉल्ट करंट की वैल्यू अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट है ये किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये गेट सर्किट के इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगी, जो ये सर्किट में इंडक्टेंस दिखाया गया है इस पर डिपेंड करेगी यहाँ पर। तो ये इंडक्टेंस पर, ये वाली जो इंडक्टेंस दिखाया गया है इस पर ये डिपेंड करेगी, एंड और किस पर डिपेंड करेगी, गेट वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगी, यानी कि गेट वोल्टेज कितना अप्लाई किया है उस पर भी डिपेंड करेगी। उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पहुंच जाएगी ये, तो ये स्प्रेड टाइम है, ड्यूरिंग स्प्रेड टाइम, तो स्प्रेड टाइम यानी स्टोरेज टाइम या स्प्रेड टाइम, स्टोरेज टाइम कह रहे हैं हम इसको, स्टोरेज टाइम पर ये करंट की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, और नेगेटिव वैल्यू जो हो रही है इसकी स्पीड या कितना ये नेगेटिव जाएगी ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंडक्टर किस तरीके का हमने उपयोग किया हुआ है, यानी ये वाला जो इंडक्टर है हमने किस तरीके का उपयोग किया हुआ है, और गेट पर वोल्टेज किस तरीके का कितना अप्लाई कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। और यहाँ पर हम देखें कि जो एनोड करंट है ये वाली वैल्यू, एनोड करंट आईए एंड एनोड जो वोल्टेज है यहाँ पर वो इक्वल होते हैं
एनोड करंट आई एंड एनोड वोल्टेज बी ए है, इक्वल होते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप के अंदर, और जैसे ही स्टोरेज टाइम यहाँ पर खत्म होगा तो यहाँ पर आई ए करंट की वैल्यू क्या होगी, आई ए करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि एनोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड बी ए करंट की वैल्यू है यानी बी ए जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि टर्न ऑन के समय ये तो दोनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी वोल्टेज और करंट दोनों स्टोरेज टाइम के समय ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्पीड टाइम ख़त्म होगा एनोड वोल्टेज बढ़ने लगता है, जैसे कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये वाला सेक्शन हम देखें एनोड वोल्टेज बढ़ रहा है, एनोड वोल्टेज सेक्शन में बढ़ रहा है, और एनोड करंट है वो यहाँ पर घट रही है सेक्शन में, हम देखें एनोड करंट यहाँ पर सेक्शन में घट रही है। और जैसे ही टीएस के समय यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज टाइम के समय जो एक्स्ट्रा चार्ज है जैसे कि हॉल हैं वो नेगेटिव गेज करंट को डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि हॉल्स हैं पी वेस के अंदर जो हॉल हैं स्टोरेज टाइम के समय, पी वेस के अंदर जो हॉल हैं वो किसके द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं, नेगेटिव गेट करंट एंड सेंटर जंक्शन के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाता है। यानी स्टोरेज समय के स्टोरेज के टाइम क्या होगा, नेगेटिव गेट करंट राइज टू पर्टिकुलर वैल्यू, यानी यहाँ तक ये बढ़ जाएगी स्टोरेज टाइम में, यानी इस पॉइंट तक पर्टिकुलर वैल्यू तक नेगेटिव करंट है ये बढ़ जाती है, और यहाँ पर इस तरीके की करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो कि गेट करंट को यानी कि गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर सके। और जैसे ही एनोड करंट यहाँ पर कम होना स्टार्ट होगी, एनोड वोल्टेज है वो राइजिंग होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, एनोड करंट फॉल्स टू सर्टेन वैल्यू, ठीक है, एनोड करंट यहाँ पर फॉल होगी इतने वैल्यू तक, और उसके बाद में अब्रप्टली इसकी चेंज में रेट के रेट ऑफ चेंज है, करंट में रेट ऑफ चेंज है वो एकदम से बदलाव आता है, तो इस तरीके से करंट है वो डिक्रीज होती है, तो ये कहलाएगा स्पाइक वोल्टेज और ये कहलाएगी टेल करंट। तो यहाँ वो एब्रप्टली चेंज है जिसकी वजह से करंट गिरेगी, और ये वाला टाइम है जिसमें रैपिडली कम होती है करंट, इसे हम कहेंगे फॉल टाइम यानी कि टीएफ। और उसके बाद में जो फॉल पीरियड है वो किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, ये फॉल पीरियड यहाँ पर जो फॉल पीरियड है कहाँ से मेजर किया जा रहा है, इस पॉइंट से मेजर किया जा रहा है, गेट करंट इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, तो ये कहाँ से फॉल्ट करंट है या फॉल्ट पीरियड है मेजर किया जाएगा, जहाँ से ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है गेट करंट की, ये ट्रेल टाइम है टीटी, ये वाला है फॉल टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक डिग्री कर रही है, तो ये गलत है, हमने टेल टाइम देखा था, ये फॉल टाइम है, फॉल टाइम में एनोड करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगी एब्रप्टली, ये बहुत जल्दी से डिक्रीज होगी। जो फॉल पीरियड है ये किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, इंस्टेंट गेट करंट और मैक्सिमम नेगेटिव एनोड करंट है उस पर डिपेंड किया जाएगा। और जैसे ही टीएस और टीएफ दोनों ख़त्म हो जाते हैं उसमें के बाद में वोल्टेज में एक स्पाइक आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्पाइक वोल्टेज, एंड उसके बाद में एब्रप्टली चेंज इन दी एनोड करंट। और जैसे ही टीएफ ख़त्म होता है
तो जैसे ये खत्म होगा तो ये जीरो की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी करंट, और वोल्टेज है अपने बीएस वोल्टेज की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि टुवर्ड्स दियर टर्न ऑफ वैल्यू ऑफ द टाइम, उसे हम कहते हैं टेल टाइम, यानी बैड टाइम, जिसमें जो वोल्टेज है अपने इनिशियल वैल्यू तक जाना स्टार्ट कर देता है और करंट है वो जीरो वैल्यू तक जाना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर हम देखें T1 के बाद में एनोड करंट है वो जीरो पर पहुंच जाएगी, यानी TFTT के बाद में एनोड करंट जीरो पर पहुंच गई है ये, एंड BA है वो ट्रांजिएंट ओवरशूट में चला जाएगा, BA है ट्रांजिएंट ओवरशूट में जाता है थोड़ी देर के लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RS एंड CS। तो ये यहाँ पर RS और CS की वजह से है, यहाँ पर जो RS और CS है इनकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस पर इसमें चला जाएगा, यानी RS और CS की वजह से हो रहा है BS इक्वल टू BS, BA इक्वल टू BS, यहाँ पर RS और CS की वजह से डिक्रीज होगा, और उसके बाद में ये अपने आप में स्टेबलाइज हो जाएगा ऑफ स्टेट वैल्यू, जो कि सोर्स वोल्टेज की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो RS और CS दिखाए गए हैं ये इस नवर सर्किट के पैरामीटर हैं, ये इस नवर सर्किट के पैरामीटर हैं। टर्न ऑफ टाइम है कंप्लीट वहन टेल टाइम रीच टू जीरो, तो यहाँ पर हम देखें टर्न ऑफ टाइम कंप्लीट कब होगा, जब टेल टाइम जीरो पर पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहुंच गया, द ओवरशूट वोल्टेज एंड टेल करंट कैन बी डिक्रीज बाई, जो ओवरशूट वोल्टेज है और ये टेल टाइम है, ओवरशूट वोल्टेज और टेल टाइम इन दोनों को किसके द्वारा डिक्रीज किया जा सकता है, इनके द्वारा CS की अगर साइज हम इंक्रीज कर देते हैं तो इनको रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इस वोल्टेज की CS की हम साइज इंक्रीज करते हैं। बट क्या होगा, हमें साइज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम साइज को इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ पर लॉसेज भी बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें साइज का विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना होता है। ड्यूरेशन ऑफ TT है वो किस पर डिपेंड करेगा, डिवाइस के करेक्टिस पर भी डिपेंड करेगा, यानी ट्रेलिंग टाइम है यहाँ पर, ये वाला ट्रेलिंग टाइम है, ये डिपेंड करता है कि डिवाइस की करेक्टिस किस तरीके से है। डिवाइस करेक्टिस ये उन चीजों पर डिपेंड करता है।